Hello students, the experiment is study the diode as clipping element. So the equipments we needed for this experiment are, this is function generator, this is the diode clipping circuit, and this is CRO, cathode ray oscilloscope. So first of all, let me explain the function generator. In function generator, this is the fine frequency tab. So you can choose any value from this knob. Suppose यहाँ पे मैंने 5 ले लिया and this is a multiplier. So you can take the multiplier 100, 1000, 10,000, 10 or 1. तो अगर मैंने 100 लिया है, it means my frequency is 5 into 100, 500 hertz. ठीक है, और आप देख सकते हो this is the output. Now I will change the frequency, the multiplier 1000. ठीक है, नाउ द फ्रीक्वेंसी इज 5000 एंड यू कैन सी द आउटपुट फॉर द 5000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी. सो इन दिस वे यू कैन चूज एनी वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी एज यू रिक्वायर. एंड द अदर थिंग इज द वेव फॉर्म. सो हियर देर आर थ्री टाइप्स ऑफ वेव फॉर्म्स. दिस इज स्क्वायर, ट्रायंगुलर एंड साइन वेव. सो ये अभी साइन वेव पे है नॉब. तो दिस इज द आउटपुट. नाउ आई विल चूज द अदर वेव फॉर्म, ट्रेंगुलर. सो दिस इज ट्रेंगुलर वेव फॉर्म एंड देन थर्ड इज स्क्वेयर. सो दिस इज द स्क्वेयर वेव फॉर्म. सो इन दिस एक्सपेरिमेंट वी विल चूज द वेव फॉर्म, दिस वन साइन वेव फॉर्म. देन नेक्स्ट थिंग इज the diode clipping circuit. So here you can see we have two diodes, D1 and D2, and this is for clipping, this is for clamping. क्योंकि हम clipping का कर रहे हैं तो हम इस knob को use करेंगे और एक इस knob को use करेंगे. So इन दोनों पे input जो आएगी वो हमारी होगी जो frequency generator की output होगी. यहाँ से हम output देंगे, ठीक है, वो इसको input देनी है. Then अगर आप यहाँ पे ये diodes हैं दोनों use कर सकते हो, या एक एक करके use कर सकते हो. अगर मैं इस डायोड को यूज़ करूँगी तो क्योंकि ये पी साइड ऊपर है और ये एन साइड है, तो इसको बोलेंगे हम पॉजिटिव क्लिपर. अगर इसको यूज़ करेंगे दिस इज़ नेगेटिव क्लिपर. और अगर दोनों को ऑन कर देंगे दैट इज़ कॉल्ड कॉम्बिनेशन क्लिपर. ठीक है, और दिस इज़ द वैल्यू ऑफ डीसी वोल्टेज. तो आप इसको ज़ीरो भी रख सकते हो. व्हेन इट इज़ ज़ीरो देन दिस इज़ कॉल्ड अनबायस्ड क्लिपर. एंड व्हेन यू इंट्रोड्यूस सम वैल्यू फ्रॉम द डीसी बैटरी, some voltage from the DC battery, then this is called biased clipper. So first you can watch the video of clipping circuits which is I have uploaded earlier, and उसको देखने के बाद आप इस experiment को देखोगे तो you will understand it more clearly. So हम one by one ये तीनों चीज़ों को use करेंगे, positive clipper को करेंगे, negative को करेंगे and combination clipper को करेंगे. इसके connections बहुत easy हैं. जो आपका function generator का positive है उसको आपने क्लिप इस पॉइंट पे देना है पॉजिटिव को, और जो नेगेटिव है ग्राउंड है उसको आपने यहाँ पे लगा देना है. ठीक है, और जो आउटपुट है हमारी थ्रू द लोड रेजिस्टेंस हमने देनी है. यहाँ पे जो पॉजिटिव है मींस रेड जो है पार्ट, उसको हमने यहाँ पे सीआरओ के, ठीक है, पॉजिटिव से लगाया है रेड से. और जो ग्राउंड करना है ब्लैक, उसको यहाँ पर लगा दिया. ठीक है, ये ग्राउंड वाला जो ब्लैक है उसको हमने ग्राउंड कर दिया है. और अब आप अपनी आउटपुट दे सकते हो. ठीक है, बिकॉज अभी हमारी कोई भी डायोड सर्किट में नहीं है, दोनों डायोड्स ऑफ हैं, तो आपकी आउटपुट ऐसे ही आएगी, ऐसे जैसे ही आपकी फंक्शन जनरेटर की आउटपुट होगी वो डायरेक्टली आपको यहाँ पे दिखेगी. क्योंकि इन स्टिल जो ये सर्किट है डायोड क्लिपिंग सर्किट, इट इज़ नॉट इंटरफेयरिंग इन दिस आउटपुट. ठीक है, जब तक हमारी डायोड ऑन नहीं होगी ये इंटरफेयर नहीं करेगा. तो पहले हमने इस डायोड को ऑन करा. सो नाउ यू कैन सी दिस इज पॉजिटिव क्लिपर एंड द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द इनपुट इज क्लिप्ड. ठीक है, पॉजिटिव पार्ट क्लिप हो गया है. नाउ मैं इसको ऑफ कर दूंगी और इसको ऑन करूंगी. दिस इज द नेगेटिव क्लिपर. तो आप देख सकते हो आप में इसमें दोनों, इसका जो नेगेटिव पार्ट है वो क्लिप हो गया है. एंड जब मैं इन दोनों को ऑन कर दूंगी, दोनों दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन क्लिपर. तो इसमें आप देख सकते हो पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट्स दोनों ही क्लिप हो गए हैं. अब इसका जो फंक्शन है
डीसी बैटरी का, वो अगर आपने देखना है तो मैंने पॉजिटिव क्लिपर कर दिया है यहाँ पे इंट्रोड्यूस। अब मैं डीसी बैटरी की जो वैल्यू है इसको इंक्रीज कर रही हूँ। यू कैन सी द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग वोल्टेज ऑन द आउटपुट। ठीक है, ये मैं इसको डिक्रीज कर रही हूँ। यहाँ पे मेरी डीसी वोल्टेज जीरो है, मतलब वोल्टेज जो है वो कोई इंटरफेयर नहीं कर रही है। और सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव दूसरा ले लेती हूँ, नेगेटिव पार्ट, अब मैं इससे डीसी की वैल्यू इंक्रीज़ करूँगी तो आप देख सकते हो कि ये जो वैल्यू है ये इंक्रीज़ कर रही है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस डीसी बैटरी वी कैन कंट्रोल द एम्पलीट्यूड ऑफ द क्लिपिंग सर्किट। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द क्लिपिंग। थैंक यू।